आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एरिया मेंस्ट्रुएशन। चलिए एरिया हिंदी में क्या होते हैं, क्षेत्र मिट्टी। चलिए आज कुछ हम फार्मूला बनाता हूं कल्चर के हिसाब पर। सबसे पहले हम आते हैं आयत, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी आयत है, इसकी भुजा आयत किसको बोलते हैं, जिसका आधार समान है, इसका भुजा दोनों बराबर होता है। फिर आयत का अर्थ है कौन, नब्बे। आयत का परिमाप क्या होता है, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, टू इंटू एल प्लस जी। चलिए याद भी इसी को बोलते हैं पेरिमीटर। ए बी सी डी एक आयत है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी है। आयत का परिमाप क्या होता है, टू इंटू एल प्लस टू इंटू लंबाई प्लस। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया लंबा गुना चौड़ाई। चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। एक आयत जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या है। क्या बोले, एक आयत जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर 30 है 30 30 तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यानी एक आयत है जिसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 10, यानी एल मेरा कितना है 30 और बी 10। क्या पूछा, परिमाप, परिमाप क्या होता है, टू इंटू एल प्लस बी, ठीक, यानी टू इंटू 30 प्लस 10, 30 10 40 दूना 80 मीटर। क्षेत्रफल एल गुना बी, यानी 30 गुना 10 300 मीटर स्क्वायर। एक आयत, आयत का परिमाप क्या होगा, टू इंटू एल प्लस बी। क्या है आयत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आयत। ए बी सी डी एक आयत है जिसकी लंबाई है तथा चौड़ाई है। आयत किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में इसको लंबाई इसको चौड़ाई।
परिमाप क्या होता है, 2 × 2 + b, 2 × 2 लंबा क्रॉस 16 है, इसको कहते हैं पेरिमीटर। आयत का क्षेत्रफल एरिया रेखा का लंबाई गुणा चौड़ाई यानी m × b। चलिए क्वेश्चन बात करें, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या है। चलिए आयत बना लिए, लंबाई 30 चौड़ाई 10, परिमाप क्या होता है, चलिए वस्तु निकाल लेते हैं यहां पर, परिमाप क्या होता है 2 × m + b यानी 2 × m कितना है 30 और 10, देखिए 2 × 30 = 40, 40 × 80 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है l × b यानी 30 × 10, 30 × 10 300, देखिए यहां पर थोड़ा और समझा देते हैं, चलिए 30 × 10 = 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, ठीक।